other in the Bollywood. Still, you get the big film working with Raveena ma'am. How you get this film, and when you read the script, how was the reaction? देखो गॉडफादर मतलब मुझे जब मैंने मॉडलिंग शुरू में कर रहा था, मैं उस टाइम पे दिल्ली में एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी में जॉब कर रहा था। तो जॉब करते करते मुझे मेरे किसी दोस्त ने बताया कि दिल्ली में एक डायरेक्टर आए हुए हैं ओनर, वो अपनी फिल्म का ऑडिशन कर रहे हैं। वो ओनर की लास्ट फिल्म थी आई एम, आज से 6 साल पहले। तो मैंने उस फिल्म के लिए ऑडिशन दिया और मेरा उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि मैं बहुत ही ख़राब एक्टर था, मुझे निकाल दिया वहाँ से। लेकिन वो ऑडिशन देने के बाद मैंने, एक होता है ना कि आज तो डायरेक्टर से मिले थे, फिर बॉलीवुड के डायरेक्टर से मिले थे, शाम को फटाफट जाके फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी ताकि उनको याद रहे कि सब एक ऑडिशन देने आया था कोई। मैं टच में था, उस टाइम दिल्ली में था, जॉब कर रहा था। मैं मुंबई आया, मुंबई आके मैंने टीवी कमर्शियल्स करने शुरू किए, और टीवी कमर्शियल करने के साथ साथ मैं सीरियल के ऑडिशन देता था। लेकिन सीरियल करने का ऐसा कभी मन नहीं था, ऐसा मतलब हम सुनते थे कि सीरियल करने के बाद फिल्म करना टफ हो जाता है, और सीरियल के काफ़ी सारे ऑफर्स भी आए कि इतना बजट देंगे आप कर लो सीरियल। लेकिन वो पैसा कमाने से ज़्यादा एक बड़े पर्दे पे दिखना, मतलब बड़े मूवी हॉल में दिखने का बड़ी बड़ी फैंटेसी थी, बड़ा ही एक सपना था कि मतलब मूवी हॉल में दिखना है। तो उसके ही इंतज़ार में मैं स्ट्रगल ऑडिशंस, और मैं ओनर सर से फ़ोन पे कभी कभी पूछता भी रहता था कि सर मैंने ये वाली फ़िल्म का ऑडिशन दिया है, मुझे यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है, क्या मैं करूँ? तो ताकि, क्योंकि वो ज़्यादा जानते हैं, तो वो बोलते थे कि नहीं ये फिल्म सी ग्रेड है या बी ग्रेड है, ये मत करो, इससे तुम्हारा करियर डाउन चला जाएगा, फिर वो कुछ नहीं बचेगा। तो एक अच्छी गाइडेंस मुझे उनसे मिलती रही, गॉडफादर ही बोल सकते हैं उनको, क्योंकि अगर आपको कोई गाइड कर रहा है जो इंडस्ट्री में पिछले 20 साल से काम कर रहा है, तो एक तरीके से मैं, मुझे कुछ पूछना हो फिल्म के बारे में, मैं किस तरह की फिल्में देखूं, मैं एक्टर बनने के लिए किस तरह की वर्कशॉप्स करूं, किस तरह की एक्टिंग मुझे करनी चाहिए, तो मुझे हमेशा मतलब आपके गॉडफादर है ऑनर सर, आप ये कहना चाहते हैं? देखो अगर अब मतलब उन्होंने मुझे गाइड किया है, तो जो गाइड करता है उसे गुरु बोल लो, टीचर बोल लो, गॉडफादर बोल लो, जो भी आप बोलते हो, मुझे नहीं पता गॉडफादर का मतलब क्या होता है, लेकिन जो भी आप बोल लो, जिस तरीके से उन्होंने मुझे गाइड किया, क्योंकि क्या होता है कि हम जिसको जानते हैं उससे ही पूछ सकते हैं। ओके।